अभी हम लोग बनका खेड़ा जा रहे हैं मूंगफली से तेल निकलवाने, उसकी गाड़ी करवाने। पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से मूंगफली से तेल निकाला जाता है, जिसको हम कच्ची गानी बोलते हैं, वो पूरा आपको बताएंगे। और बिल्कुल प्योर मूंगफली का तेल, आजकल हम लोग जो तेल खा रहे हैं उसमें लगभग 20 से 30% पाम ऑयल मिक्स होता है, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ये अभी हम देख रहे हैं, ये हमारे भैरू जी हैं, सिवाड़ा के भैरू जी बोलते हैं इनको। और ये आगे हम अभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, जहाँ पे कंवलियास और चावंडिया का यहाँ पे ये मोड़ है। तो हम बात कर रहे थे तेल की। पाम ऑयल हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और आजकल जितनी भी कंपनियां हैं, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, सारी कंपनियां तेल में मिलावट कर रही है। और एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है अल्ट्रा लाइट, और बहुत पता नहीं क्या क्या नाम के बहुत सारे अलग अलग तेल चलते हैं, तो वो बहुत गलत है। जिस तेल में से आपने उसका रंग, गंध और उसकी जो एक्चुअल उसका इंग्रेडिएंट है वो सारा निकाल दिया, फिर उस तेल के क्या मायने हैं? इससे अच्छा है आप बिना तेल की सब्जी खा लें, फिर तो क्या मतलब है। लेकिन अगर आपके पास सरसों या मूंगफली या कोई भी ऐसा तिलहन उपलब्ध है, तो आप खुद थोड़ा समय निकाल के आप कोशिश करें कि खुद लेके आए, तेल निकलवा के आप खुद लेके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आए हैं बनका खेड़ा, माँ जोगनिया तेल गाणी और फ्लोर मिल्स, कन्हैयालाल जी तेली की बहुत ही शानदार ये शॉप है। और अभी यहाँ पर हम मूंगफली से शुद्ध तेल निकालेंगे, इसका पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मशीन है, इसमें मूंगफली से उसका दाना अलग किया जाएगा। ये हमारी हम बोरी लेके आए हैं, अभी आप देख रहे हो ये बोरी जो है, इसको अभी हम नीचे उतारेंगे। ये राधेश्याम जी इसको ये नीचे उतार रहे हैं, ये उतार दी। ये अभी हम बोरी को खोल रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो मूंगफली है। आपको एक बार दिखा देते हैं मूंगफली कैसी है। ये हमारे खेत पे हुई है, फार्म हाउस पे जो मूंगफली हमने बोई थी वही है, तो अपने घर की मूंगफली है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग आज अभी लाए हैं पानी करवाने के लिए। ये राधेश्याम जी भूले वाली मूंगफली सर, और बिल्कुल ये देसी मूंगफली जिसको अभी आप देख रहे हो, इसमें हमने मूंगफली डाल दी है। मूंगफली के अंदर नेचुरली जो मिट्टी होती है वो अलग हो जाती है इससे, और ये ऊपर का छिलका भी अलग हो जाएगा। ये अभी इस मशीन में आप देख रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, बिल्कुल दाने आ रहे हैं। ये हमारे भाई हरिशंकर के यहाँ पे हम आए हैं, ये इनकी जय माँ जोगनिया फ्लोर मिल्स और गाड़ी सेंटर है, तो बहुत शानदार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो किस प्रकार से निकल रहा है, ये इसमें दाने निकल जाते हैं, ये अंदर डाल रहे हैं अभी आप देखिए। क्योंकि जब ये हार्वेस्ट की गई थी खेत से, तब उसमें मिट्टी होती है, तो इसलिए मिट्टी उड़ रही है। आप ये देख रहे हैं वो उस तरफ जो मशीन है उसका छिलका जो है पूरा उड़ के इधर आ रहा है, तो ये भूसी एक तरीके से तैयार हो रही है, जो बाद में इसको अलग अलग तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। ये मूँगफली का जो है छिलका उतर के हम लोग वहाँ से जो मूंगफली अभी छील के लाए थे वो इसमें डाल रहे हैं, इसको कच्ची गानी बोलते हैं। ये अभी इसके अंदर जो है ग्राइंड हो रही है धीरे धीरे, जब तेल निकलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें जो पहले मूंगफली डाली थी वो अभी ये इस तरीके से ग्राइंड हो चुकी है, पिस चुकी है। ये तेल कैसे आ रहा है वो आप अभी देखिए, ये देखिए ये तेल आ रहा है, तेल आप देख रहे हैं, और ये अंदर मूंगफली ग्राइंड होती हुई बिल्कुल, ये बहुत ही कोल्ड प्रेस और शानदार तरीके से ये मूंगफली का तेल बन रहा है। और प्योरिटी अपनी आंखों के सामने अपन देख रहे हैं, अपनी घर की मूंगफली है, उसको लेके आए, उसको हमने छिलवाया, और छिलवाने के बाद में अभी ये इसमें से तेल निकल रहा है जो आपको सामने दिख रहा है।